अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, आज आपने उर्दू बुक का पेज नंबर 33 रीड करना है। पेज नंबर 33 पे आज आपने हर्फ पढ़ना है गैन, जिसके ऊपर एक नुक्ता है गैन, जिसके ऊपर एक नुक्ता है गैन गैन। और यहाँ पे आपको यहाँ पे अस की आधी शक्ल दी गई है, गैन गुब्बारा, गैन गार, गैन गुलेल, गैन गुब्बारा, गैन गार, गैन गुलेल, गैन गुब्बारा, गैन गार, गैन गुलेल। गैन की आधी शक्ल के साथ जब अलिफ लगाया तो क्या बन गया, गैन अलिफ गा। गैन की आधी शक्ल के साथ वाओ लगाया तो क्या बन गया, गैन वाओ गो। गैन की आधी शक्ल के साथ छोटिए लगाया तो क्या बन गया, गैन छोटिए री। गैन की आधी शक्ल के साथ जब बड़िए लगाया तो क्या बन गया, गैन बड़िए गे। गैन अलिफ गा, गैन वाओ गो, गैन छोटिए गी, गैन बड़िए गे। गैन अलिफ गा, गैन वाओ गो, गैन छोटिए गी, गैन बड़िए गे। गैन अलिफ गा, गैन वाओ गो, गैन छोटिए गी, गैन बड़िए गे। ये कौन सा हर्फ है, गैन, एक जिसका ऊपर नुक्ता होता है, कौन सा हर्फ है, गैन। अब आपने अच्छे से लर्न करके मामा को सुनाना है। अल्लाह हाफिज़।